7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला बोला, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया भर के तमाम देशों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध के 7 हफ्तों बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति जताई है कि युद्ध को अस्थायी रूप से रोक देना चाहिए और आंशिक रूप से दोनों देशों के बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। इससे यह तो साफ है कि दोनों देशों में अभी फिलहाल के लिए इस युद्ध को रोक दिया गया है। लेकिन 4 दिन बाद युद्ध शुरू होने की आशंका है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता, जिससे यह साफ है कि युद्ध के काले बादल मिडिल ईस्ट में अभी भी मंडरा रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के कुछ और भी देश हैं जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन देशों में चीन और भारत का नाम सामने आ रहा है। आखिर क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्हें, आइए इस खबर में जानते हैं। इस युद्ध की वजह से मध्य पूर्व से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली मेगा कनेक्टिविटी परियोजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा माना जाता है, और भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा यानी IMEC जैसी परियोजनाएं शामिल है। माना जाता है चीन के CPEC की काट में नई दिल्ली द्वारा IMEC प्रोजेक्ट इसी वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई। इन दोनों गलियारों को चीन अमेरिका के व्यापारिक संघर्ष के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन गाजा युद्ध की जटिलता ने इस पर व्यापक असर डाला है। CPEC की परिकल्पना चीन के कशहर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने और अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच बनाने पर टिकी है। CPEC की ही तरह IMEC भी महत्वाकांक्षी है। इसका मार्ग CPEC से लंबा है, जिसमें खाड़ी देश और इसराइल शामिल है। इस प्रोजेक्ट में यहूदी देश को शामिल करने से पश्चिमी देशों से होने वाला व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि क्षेत्र में स्थायी तनाव और इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष की वजह से इस प्रोजेक्ट को कई नुकसान होने की भी आशंका जताई गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो गाजा युद्ध की वजह से IMEC प्रोजेक्ट पर गंभीर खतरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में संघर्ष एक यथार्थवादी और वास्तविक चिंता का विषय है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई ने हाल ही में संघर्ष में सीधी भागीदारी से इनकार किया है। इसी तरह हिजबुल्ला ने भी एक समिति क्षेत्र में ही और युद्ध के किनारे के इलाकों में ही आक्रमण की धमकी दी है। ऐसे में गाजा संघर्ष के व्यापक होने की संभावना कम लगती है। बावजूद इसके IMEC के लिए स्थितियां फिलहाल अनुकूल नहीं दिखती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।